प्रेजेंट बाय डीएफसी लाइव कवरेज। क्योंकि मन में भाव होते हैं भक्तों के। आवा जावा की हरियो, दादाजी था के यहाँ आवा जावा की। सभी के सीधे सीधे हाथ, वो सीधी सीधी सड़क बताओ मारा धूनी वाला था के आवा जावा की। दादाजी का दरबार माई प्रसादी प्यारी लागे, दूर दूर का भक्त आवे आवे सब नर नार। मन की इच्छा पूरी होती, सीधी सीधी मन की इच्छा पूरी होती था के ही दरबार। सीधी 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 सड़क बता दो धूनी वाला ताका दर्शन पावा की। दादाजी का मंदिरिया में मीठा मोर बोले, दादाजी का मंदिरिया में मीठा मोर बोले, ये दर्शन पाबा की खेड़ी घाट या बाकी। कोयलड़ी तो शोर मचावे अब दादाजी महाराज। सीधी सीधी ताली के साथ में सीधी
सड़क बता तुम्हारा धोनी वाला ताके आवाज़ बाकी वाले दादाजी की श्री नर्मदा मैया की श्री देव नारायण भगवान की भगवान देव नारायण जी का जब लालन पालन मामा जी के घर होने लगे क्योंकि वो भगवान थे उनको बड़े होने में कोई देर नहीं लगी। चंद्र की कला जैसे परमात्मा बढ़ने लगे एक महीने दो महीने चार महीने साल दो साल भगवान देव नारायण जी की 5 वर्ष की उम्र मामा जी के घर हो गई। जब 5 वर्ष की अवस्था हुई वो बड़ी मामी फिर देखो नारायण भगवान से कपट करने लगी। मामा मामी मामा जी बड़े भोले थे नारायण भगवान के और मामा दो मां के बराबर होते हैं मामा। तब जो ही साडू मैया देव नारायण भगवान के लाड लड़ा रही देव नारायण भगवान जो वृंदावन के बांके बिहारी है जिन्होंने गोपियों का माखन मटकी फोड़ फोड़ करके खाया चित्त चुराया वो उज्जैन नगर में क्या अपनी लीला नहीं बताएंगे। भगवान देव नारायण जी शिप्रा नदी के तट पे जाने लगे। कहां जाने लगे? शिप्रा के तट पर। और जब शिप्रा नदी के तट पर जाने लगे श्री धुनी वाले दादाजी महाराज की श्री नर्मदा मैया की श्री देव नारायण भगवान की आज इस पावन प्रांगण में जो मुझे श्री छोटे सरकार का आशीर्वाद मिला और आप सभी का स्नेह पिताजी का आशीर्वाद सभी संत समाज का आशीर्वाद मिला मेरे भाग नहीं सौभाग्य की बात है जो दादाजी ने हमें शरण में ले लिया। बोलो धुनी वाले दादाजी की नर्मदा मैया की साडू मैया के लाला भगवान श्री देव नारायण जी शिप्रा नदी के तीर पर जाने लगे और कंकर से जल भरने वाली जो सखी सहेलिया जैसे भगवान गोपियों को जैसी मटकी फोड़ते थे ऐसे ही उज्जैन नगर में भी वापस उपद्रव ठाकुर जी महाराज मटके फोड़ने लगे। मामा जी के घर आकर के वो सब सखी सहेलियां शिकायत करने लगी कि आपके भानेज लाल शिप्रा नदी के तीर पे आते हैं और मटकी फोड़ते हैं। तो वो जो बड़ी मामी थी ना नारायण भगवान की उन्होंने कहा कि गाय तो हमारे पास 980,000 है। साडू मैया ने कितनी गायों का पालन किया? 980,000 गाय का।
और देव नारायण भगवान का अवतार भी गो सेवा के लिए ही हुआ। उन्होंने गाय माता की सेवा करी, सवाई भोजने भी गाय चराई। देव नारायण भगवान के जो पिताजी कहां है राजा सवाई भोज, उन्होंने गो माता को कहां चराया? पुष्कर और अजमेर के बीच में नाग पहाड़ का डूंगर बताते हैं। वो कथा थोड़ी और पीछे रह गई। मतवाला राजकुमार भारत में भाला रोपिया, नाग पहाड़ के डूंगर भोज चराई गाय, क्योंकि इनको गो माता चराते शिव जी मिल गए। इस कथा में लिखा है गो माता चरावत शिव जी मिल गए, प्रेम पोरसा दे गए और साधु मैया घर कृष्ण पधारिया, भक्तों के घर शालिग्राम रमे। अब वो नारायण ने मटकी फोड़ी तो मामी साहब कहने लगी कि गायों को तो ग्वाल चराने के लिए जाते हैं, बाकी भानेजलाल आप बासुरु को चराने के लिए जाओ। बासुरु चराने के लिए भगवान देव नारायण जी को भेजा, छोटे से भानेज को। नारायण भगवान जब बासुरु चराने पहुंचे, एक हाथ में लाठी, कंधे के ऊपर कम्बल और एक हाथ में यहां भी कुछ देर के लिए भगवान देव नारायण ने जब बासुरु चराए तो बंसी बजाई थी। क्या कहा है? नारायण मीठी मुरली हो बजावे जी, और कहां बजाई? मालवा में। मामा जी का देश भाणे जो गाया चलावे बासुरु को 8 दिन चराए। सुमेति संक्रांति आई, मकर संक्रांति का दिन आया। अब नारायण को लीला बताना थी, वो क्योंकि वो तो लीला धरे। मकर संक्रांति के दिन वो जितने भी गाय के बासुरु थे सब ब्राह्मण देवता को दान दे दिए। गाय नहीं दी, बासुरु। शाम को देव नारायण भगवान घर पहुंच गए। अब वो बड़ी मामी कहने लगी, भानेजलाल वो सारे बासुरु कहां हैं? साधु मैया ने भी पूछा, बेटा बासुरु कहां है? कि मां आज दिन क्या था? कि सोमवार। कि यूं क्या था? कि मकर संक्रांति। कि आज के दिन का महत्व क्या होता है? कि दान करना।
तो फिर माँ मेरे से ये बनी कि मैंने सारे ही बासुरु दान में दे दिए। साडू मैया ने कहा हाँ केड़ा केड़ी अब सभी गो माता के बछड़े जब दान में दे दिए तो साडू मैया ने कहा कि नारायण पहले तो आपको बछड़े दान में देने ही नहीं थे क्योंकि वो दूध पीने वाले बछड़े थे, गो माता रंभा कर रही है बासुरू के लिए, बाकी बासुरू दान कर दिए। दूसरी बात ये कि अब आपकी मामी आपको शकुन से नहीं रहने देगी, ये बड़ी वाली मामी। देव नारायण भगवान ने कहा कि माँ अब बासुरु दान में दे तो दिए, अब क्या होगा। साडू मैया ने स्वर्ण मुद्राएं की, देखो जो एक पात्र लिया और ब्राह्मण देवता के घर पहुंची, एक एक सुन्ना की मोहरें ब्राह्मण देवता को देती है और एक एक बासुरु वापस लेती है। सारे बासुरु ला करके गो माता के पास में छोड़े। देव नारायण भगवान ने प्रेम की बंसी बजाई, मामी उधर कटु शब्द नारायण भगवान को कहने लगी कि भाणेज आपने सारे बासुरु दान में दे दिए, ऐसे दाता दान के थे तो यहां मामा के देश में क्यों पधारे, यहां टुकड़े हमारे द्वार पे खा रहे हो और हमें जोर दिखा रहे हो। देव नारायण भगवान हंसते रहे, प्रेम की बंसी बजाई, एक गाय के पास में दो बासुरु दूध पीने लगे। ऐसी नारायण भगवान ने अपनी लीला बताई। साडू मैया मन ही मन जान गई कि ये परमात्मा है। साडू मैया ने कहा एक बासुरु भूखा मरे, गाय के पास में दूध पीते हैं तो एक एक बासुरु का पेट नहीं भरता, उदल जी आपने दो दो बासुरु कर दिए नारायण। देव नारायण भगवान ने प्रेम की बंसी बजाई, अपनी लीला बताई सारे बासुरु। उस समय हिरण और रोजड़े बन करके जंगल में चले गए। उधर देव नारायण भगवान, ऐसा समय आया एक दिन साडू मैया कहने लगी कि नारायण अपन यहाँ अपना दुख जो बुरे दिन है इनको पार करने के लिए आए हैं और आप इस बड़ी मामी के सामने इतना उपद्रव मत करो। देव नारायण भगवान ने कहा माँ अब तो पता चलेगा कि मेरी कौन सी मामी सत्य है। देव नारायण भगवान ने, शनिवार का दिन था, एक पात्र यानी एक कटोरा हाथ में लिया और मामी जी के द्वार पर पहुंचे। क्या कह रहे हैं कि एक कटोरा दूध का पिलाओ मामी तो मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। मामी ने कहा कि कल तो बासुरु में दान में ही दिए थे और आज दूध पीने के लिए आए, निकल जाओ यहां से। मामी नहीं जानी कि ये त्रिलोकी नाथ है। भगवान देव नारायण जी उसी समय कहने लगी मामी एक कटोरा दूध का पिलाओ तो मैं आपका जीवन भर एहसान मंद रहूंगा क्योंकि आज मुझे शनिवार का उपवास है। और ध्यान रहे भजन किया तो एहसास होना चाहिए, भोजन किया तो एहसास होना चाहिए। सो काम छोड़ो नहाना जरूरी स्नान, 1000 काम छोड़ो खाना जरूरी और 1.5 लाख काम छोड़ करके भजन करना जरूरी। भोजन जरूरी, भजन जरूरी, भोजन किया तो एहसास होना चाहिए, भजन किया तो एहसास होना चाहिए और उपवास भी करो तो एहसास होना चाहिए, नहीं तो कई ऐसा उपवास करते हैं एकादशी ग्यारस का कि आलू का फरियाद ही इतना हो जाता है कि 13 तक भूख नहीं लगती। ऐसा सोना सही है तब जो है। नारायण भगवान ने कहा कि मेरे को आज उपवास है, आप मुझे मात्र एक कटोरा दूध का पिलाओ।
मामी कहने लगी दूध तो नहीं मिलेगा, फिर छाछ। देव नारायण भगवान को मामी ने घर में 12 दिन की छाछ रखी हुई थी, वो पिलाई। कितने दिन की? 12 दिन की छाछ पिलाई भगवान देव नारायण जी, पी गए 12 दिन की खाटी छाछ पी गए। छोटी मामी के घर पहुंचे नारायण भगवान, छोटी मामी के घर दूध नहीं था, फिर भी छोटी मामी का इतना भाव था कि वो नारायण के लिए दूसरे घर से कच्चा दूध का कटोरा भर के लाई और देव नारायण भगवान की स्वागत की। बोलो देव नारायण भगवान की। एक भजन श्री दादाजी धुनी वाले का, फिर आरती होगी।